16वीं सदी में दक्कन में 5 सल्तनतें थीं, जिनमें सबसे शक्तिशाली अहमदनगर की सल्तनत थी। इस अहमदनगर सल्तनत में 1550 में चांद बीबी का जन्म हुआ था। उनके पिता अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह थे। किशोर अवस्था में ही उनकी शादी बीजापुर के सुल्तान अली अदिल शाह के साथ हुई, जिसने दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर के खिलाफ बीजापुर और अहमदनगर के बीच सैन्य गठबंधन को और पुख्ता किया। चांद बीबी अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ सहित कई भाषाएं जानती थी। बीजापुर की रानी के रूप में वो अपने पति के साथ सैन्य अभियानों में भी जाती थी और राज्य के प्रबंधन में भी अपने पति की मदद करती थी। सुल्तान के दरबार में दरबारी 3 गुट सुन्नी, हबशी और दक्कनी दरबारियों में बटे हुए थे। हालांकि सुल्तान अली अदिल शाह एक नए गुट शियाओं का पक्ष लेते थे। सुल्तान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब सुल्तान अली अदिल शाह युद्ध में मारे गए, तब चांद बीबी ने अपने 9 साल के भतीजे इब्राहिम अदिल शाह को नया सुल्तान बनाया और उसकी तरफ से शासन करने लगी। जब सुल्तान इब्राहिम अदिल शाह बड़े हो रहे थे, तब तक दरबारियों के विभिन्न गुटों ने ताकत को हथियाने के कई प्रयास किए। सबसे पहला प्रयास दक्कनी गुट के भरोसेमंद मंत्री कमल खान ने किया, जब उसने चांद बीबी को उसके पद से हटाने का प्रयास किया। चांद बीबी ने भी एक ताकतवर दरबारी हाजी कीश्वर खान के साथ गठबंधन किया और कमल खान को उसके पद से हटा दिया। इसके बाद कमल खान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और बाद में उसे मरवा दिया गया। कुछ ही वर्ष में हाजी कीश्वर खान भी बहुत शक्तिशाली हो गए और वो बीजापुर को अपनी जागीर समझने लगे। चांद बीबी और अन्य दरबारी भी उनसे डरते थे, इसलिए उन्होंने कीश्वर खान को खत्म करने की योजना तैयार की। लेकिन एक जासूस ने हाजी कीश्वर खान को इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी। हाजी कीश्वर खान ने तुरंत षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सेना भेजी और लड़ाई में हराने के बाद उन्हें मार डाला। इसके बाद चांद बीबी ने हाजी कीश्वर खान को चुनौती दी, लेकिन हाजी कीश्वर खान ने उसे और सुल्तान इब्राहिम अदिल शाह को सितारा के किले में कैद करवा दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जल्द ही हाजी कीश्वर खान अपनी लालच के कारण बाकी सरदारों और दरबारियों में बहुत अलोकप्रिय हो गया। इसके बाद जब एक हबशी जनरल इखलास खान के नेतृत्व में एक सेना ने बीजापुर के ऊपर मार्च किया, तो कीश्वर खान भागने पे मजबूर हो गया। हाजी कीश्वर खान के भागने के बाद चांद बीबी को कैद से छुड़ा लिया गया। कैद में से छूटने के बाद चांद बीबी ने हबशी सेनापति इखलास खान को एक करीबी सहयोगी के रूप में रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में इखलास खान ने भी खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों को लगा कि बीजापुर उस समय कमजोर है, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर बीजापुर पे हमला कर दिया। इखलास खान को लगा कि वो इस संयुक्त हमले से नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने चांद बीबी को सत्ता फिर लौटा दी और वो वहां से भाग गया। चांद बीबी को भी लगा कि वो इस संयुक्त सेना से युद्ध के मैदान में नहीं लड़ पाएगी, इसलिए उसने अपने ताकतवर मराठा सेना को कर्नाटका से बुला लिया और उन्हें दुश्मनों के खाने पीने की सप्लाई लाइनों को काटने के लिए कहा। यह काम करने में मराठा सैनिक सफल रहे। खाने पीने की कमी के कारण अहमदनगर और गोलकुंडा की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद चांद बीबी ने सत्ता अपने वफादार दिलावर खान को दे दी। अगले 9 साल तक दिलावर खान ने वफादारी से चांद बीबी के भतीजे इब्राहिम अदिल शाह के लिए सत्ता संभाली, जिसके बाद आखिरकार 1591 में इब्राहिम अदिल शाह सुल्तान बन गए। उसी वर्ष 1591 में मुगल सम्राट अकबर ने दक्कन सल्तनतों को अपना वर्चस्व स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन किसी भी सल्तनत ने उसकी बात नहीं मानी। जब सुल्तान इब्राहिम अदिल शाह ने सत्ता पे अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, तब चांद बीबी ने अपने भाई के घर जाने का फैसला किया और वो अहमदनगर लौट आई। उस समय अहमदनगर के सुल्तान चांद बीबी के भाई इब्राहिम निजाम शाह थे। लेकिन चांद बीबी के आने के कुछ समय बाद ही 1595 में चांद बीबी के भाई
मुगलों के साथ लड़ाई में मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद अहमदनगर के कुछ दरबारियों को लगा कि इब्राहिम निजाम शाह के 2 साल के पुत्र बहादुर शाह को नया सुल्तान बना के सत्ता चांद बीबी के हाथ में दे देनी चाहिए। लेकिन एक ताकतवर दरबारी मियां मंजू ने 12 साल के अहमद शाह को गद्दी पे बैठा दिया। अहमदनगर के प्रमुख दरबारियों ने इस योजना का विरोध किया। दरबारियों के बीच बढ़ते असंतोष ने मियां मंजू को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बादशाह अकबर को अपनी सेना के साथ अहमदनगर आने का आमंत्रण दिया। जल्द ही मियां मंजू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अहमदनगर पर मुगलों का हमला अब नहीं रोका जा सकता था। मुगलों को अपनी तरफ बढ़ता देख अहमदनगर के सेनापतियों और दरबारियों ने चांद बीबी को अपना लीडर चुना। नवंबर 1595 में मुगलों द्वारा अहमदनगर के किले पे हमला किया गया। चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और अहमदनगर के किले को सफलतापूर्वक इन हमलों से बचाया। चांद बीबी ने अपनी पुरानी रणनीति फिर काम में लाई, जिसने पहले भी उनके दुश्मनों को पीछे हटने पे मजबूर किया था। चांद बीबी ने अपने एक काबिल सेनापति मलिक अंबर से मुगलों की खाने पीने की सप्लाई चेन पर हमला करने को कहा। मलिक अंबर के प्रयासों के कारण मुगल शिविर में खाने पीने की कमी होने लगी और उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। इसके बाद मुगल सेना के कमांडर, जो मुगल बादशाह अकबर के बेटे राजकुमार मुराद थे, उन्होंने चांद बीबी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह घेराबंदी को खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस समय तक अहमदनगर के किले की घेराबंदी के कारण अहमदनगर के सैनिक भी भूख से मर रहे थे, जिसके कारण चांद बीबी भी बात करने के लिए तैयार हो गईं। चांद बीबी ने मुगलों को अहमदनगर का एक हिस्सा बेरार देने की पेशकश की, जिसे राजकुमार मुराद ने मान लिया और मुगल सेना घेराबंदी खत्म करके पीछे हट गई। राजकुमार मुराद पीछे तो हट गए, लेकिन बेरार से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए मुगलों ने बेरार के आसपास के जिलों पे भी कब्जा कर लिया। इस दौरान चांद बीबी ने दूसरी दक्कनी सल्तनतों के साथ मुगलों के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसमें जल्द ही वो सफल रहीं। जब अगली बार राजकुमार मुराद ने गुप्त रूप से अहमदनगर के एक जिले पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो उनका सामना दक्कन की संयुक्त सेना के साथ हुआ। राजकुमार मुराद ने भी अपनी मुगल सेनाओं को इकट्ठा किया और गोदावरी नदी के किनारे पर दक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेना का सामना किया। एक भयंकर लड़ाई के बाद मुगल सैनिक यह लड़ाई जीत गए, लेकिन जीत के बाद मुगल सेना इतनी कमजोर हो गई थी कि उन्होंने आगे आक्रमण नहीं किया और वो बेरार वापस लौट गई। मुगल दरबार में कुछ विवादों के कारण 1597 में बादशाह अकबर ने कई मुगल सेनापतियों को वापस बुला लिया, जिसके बाद चांद बीबी ने राहत की सांस ली। इसके 2 साल बाद राजकुमार मुराद की भी मृत्यु हो गई। इस समय तक मुगलों को चांद बीबी की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए अगला हमला बादशाह अकबर ने खुद एक बड़ी सेना के साथ किया। पहले बादशाह अकबर ने अपने बेटे राजकुमार दानियाल को एक बड़ी सेना के साथ अहमदनगर भेजा। इसके बाद बादशाह अकबर खुद एक बड़ी सेना के साथ अहमदनगर पहुंचे। 1599 में राजकुमार दानियाल अहमदनगर किले के पास पहुंच गए और उनकी सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। इस घेराबंदी के समय अहमदनगर के कई सेनापति और दरबारी चांद बीबी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद चांद बीबी ने अहमदनगर के किले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें लगने लगा कि वो ज्यादा देर तक मुगल सेना को नहीं रोक पाएंगी, इसलिए उन्होंने राजकुमार दानियाल के साथ बातचीत करने का फैसला किया। इस बीच एक दरबारी हमीद खान ने झूठी खबर फैला दी कि चांद बीबी मुगलों को अहमदनगर का किला सौंपने जा रही हैं। जब ये बात फैलने लगी कि चांद बीबी लड़ाई की तैयारी नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही हैं, तो सैनिक और दरबारियों ने उसे उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रचा। इसके बाद अहमदनगर के सैनिकों की एक उग्र भीड़ ने चांद बीबी को मार डाला। चांद बीबी की मृत्यु के 4 महीने और 4 दिन के बाद घेराबंदी खत्म हुई और अहमदनगर के किले पर
राजकुमार दानियाल की मुगल सेना ने कब्जा कर लिया। शायद मुगल सेनापति भी चांद बीबी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि अहमदनगर के किले पे कब्जा करने के बाद उन्होंने चांद बीबी की मौत के जिम्मेदार लोगों को फांसी पे लटका दिया और इस तरह चांद बीबी को न्याय मिला। अहमदनगर के एक सेनापति मलिक अंबर ने कुछ वर्षों तक मुगल सेना से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अहमदनगर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।